पारुल दलचिप्पई परमार, अर्जुन एवरी 2009। मैंने 2002 से शुरुआत किया था, तो अभी तक 30 से ज़्यादा मेरा गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल में। 4 बार तो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है। मैं 3 साल की थी तब मुझे बुखार हो गया और उसी टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब मैं बच तक कोई ऐसी पोजीशन में नहीं थी। मेरा पैर पोलियोग्रस्त हो गया, उसी पैर पे फ्रैक्चर भी हो गया, मेरे हाथ में भी आंसरी भी टूट गई थी। डॉक्टर ने बोला कि ये ज़्यादा वीक हो गया है पैर, उसको एक्सरसाइज कराओ। छोटी सी 3 साल की बच्ची को क्या एक्सरसाइज कराएंगे, क्या करेंगे। पापा बैडमिंटन प्लेयर थे, भाई बहन भी जाते थे खेलने के लिए, तो मेरी मम्मी ने बोला एक्सरसाइज करने को बोला है बच्ची को, आप खेलने ले जाओ, वो देखेगी सबको, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे भी उसका खेलने का मतलब मेरा मन खेलने, कोई भी गेम खेलने को दे दो खेलती रहती थी। तो बोले कि आप ले जाओ, तो वो कुछ ना कुछ करेगी उधर। तो मैं भी अपने भाई बहन के साथ आ जाती थी इधर, पापा के साथ बैठती थी और वो लोग खेलते थे, मैं देखती थी साइड पे, खेलती रहती थी रैकेट लेके। ऐसे करते करते कब खेलना स्टार्ट हो गया पता नहीं चला मुझे। फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने बाहर जो गई, इसराइल में गई 2003 में, और सच में उस वक्त तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि मैं एक ही महिला खिलाड़ी थी पैरा बैडमिंटन में, और कभी भी मैं बाहर गई नहीं थी, मेरे घर के कोई व्यक्ति बाहर गया नहीं था। तो हाँ, मम्मी ने तो पापा से बात करना ही बंद कर दिया था कि मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूँगी। मुझे एबल बॉडी के साथ ही कराया, कभी मुझे ऐसा नहीं कि तू डिसेबल है तो साइड पर कर दिया, कभी सर ने मुझे ऐसा नहीं किया, जितना होता है कर, कभी फिल्ली होने नहीं दिया। ज़रूरत है उसको आसपास के माहौल की, समाज की, जो उसे प्रोत्साहित करे उसको आगे ले जाने पर। ऐसा नहीं, वो खुद मेहनत अगर करती है तो उसे, अगर आप कुछ सपोर्ट नहीं करते तो उसको डाउन भी मत करो, उसको आगे जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब वो महिला जो आगे जाना चाहती है उसे ऐसी नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए।